आ जा तुझे आसमान में ले चलूं चांद को उसकी औकात दिखा। जब औकात बिग बाजार की हो ना तो ज़ारा पे विंडो शॉपिंग करने से घंटा कुछ औकात देखेगी मेरी महबूबा। बहुत हार्ड बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है धीरे चल कोई गाय नहीं है बस इतना ही। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इसको। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? मैं बाल बना रहा हूँ। सही बोल, तेरी जुबान को लकवा मार गया। मैं बाल बना रहा हूँ। अच्छा, मैं बाल कंघी कर रही हूँ। पहले बताओ यहाँ किसकी शक्ल बंदर से मिलती है? इनकी इनकी इनके मुंह पे बोलोगे तुम लोग हैं? वो तो आपकी भी शक्ल गधे से मिलती है। इनकी भी शक्ल तो जहरीले नाक से मिलती है। यार मेरी कोई लाइंस बोलो ना। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ओ, इतना प्यार करते हो? अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस तुमसे माता पच्ची नहीं करनी मुझे। नालायक हो, कभी शक्ल आते नहीं हो और आते हो तो जाते नहीं हो और बाइक पर आते हो। गुरुजी तुम मोटरसाइकिल की बात कर रहे हो? कल लाएंगे स्कॉर्पियो और परसों लाएंगे फॉर्चुनर, बाद अगले दिन लाएंगे मेट्रो। हाँ? और मेट्रो नू आएगी ज़ूम ज़ूम ज़ूम। बाबू अपनी ये डायमंड रिंग मुझे दे दो। क्यों बेबी? इसे देखकर ना मैं तुम्हें रोज याद करूंगी। याद तो तुम मुझे वैसे भी करोगी। वो कैसे? ये सोच के डायमंड रिंग मांगी थी, दी नहीं। अरे सुन, ये पुराने जमाने की लड़कियों और आज के जमाने की लड़कियों में क्या फर्क है? सिंपल सा है, पुराने जमाने की लड़कियां बोलती थी तुम मुझे मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, और आज के जमाने की लड़कियां बोलती हैं तुम मुझे मिल जाओ तो पुराना छोड़ दे। अरे बेटा इतनी देर से क्या सोच रहा है? यार मम्मी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शादी करके भागूं कि भाग के शादी करूं। क्या हो गया अब आप क्या सोच रहे हो? बेटा मैं ये सोच रही हूँ कि फटी चप्पल से मारूं तुझे या फिर चप्पल फटने तक मारूं तुझे। मजाक मजाक कर रहा था मैं तो। सीरियसली हो गई आप तो। अमीरों का डांस। हमारा डांस। कमरिया कमरिया को दे लपालो। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मी भी गजब धारा और उम्र हो गई 47 क्यों 27 बता रहे। हाय हाय। ओ दिमागदार कहाँ जा रहा है? इधर आ। हाँ एक बात बता के जा, एक आदमी की 6 उंगलियां हैं, लोग उसे राधेश्याम बोलते हैं, बता क्यों? अबे उसका नाम ही राधेश्याम है, चल ज्यादा दिमाग मत लगा। सुनो जी, झाड़ू लगा दो, फिर पोछा लगा देना, फिर मेरे सारे कपड़े धो देना, ठीक है? बहुत हो गया तेरा नाटक, जा मैं नहीं करूंगा। जानू नाक से खून आ रहा है, पोछ के 5 मिनट में कर। अच्छा प्रेम एक बात पूछनी थी, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं वो सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं क्या? अरे नहीं, इसके 2 कारण हैं, या तो वो बीवी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कुछ मिले ना मिले 2 चीजें हक से मांगनी चाहिए। हैं? कौन कौन सी? 1 समोसे के साथ एक्स्ट्रा चटनी और 2 गोलगप्पे खाने के बाद मीठी पापड़ी। यार अपन कितने टाइम बाद मिले, मैंने ना तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। चल मूवी देखने चलते हैं। यार अभी नहीं, अभी मामा को अर्जेंट काम है, कभी और कभी और। अरे ये अपना फोन तो यहीं भूल गई, शायद आंटी का कॉल होगा। अरे बेबी कहाँ हो, मूवी स्टार्ट होने वाली है। हेलो हेलो। अरे सुन शायद मेरा फोन तेरे पास रह गया। हाँ ये ले, मम्मी के साथ मूवी एंजॉय करना। बहुत हार्ड बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे। ओ भाई तू क्या सोच रहा है, तू फेमस हो जाएगा? ये ले तू करके दिखा, कर ना कर कर कर, ये ले 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 ये ले, तो कर ना, इतना आसान नहीं है ये करना भी। तुम इतने प्यारे लग, कौन है वो? पता नहीं कौन है। तुम पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। किधर किधर किधर? उधर देखो। मुर्गी है मुर्गी मुर्गी है मुर्गी
दी नहीं ये मूर्ति। मेरे को यहाँ वोट डालने के बाद और भी जगह वोट डालने जाना है। हेलो, आप एक ही बार वोट डाल सकती हैं। ऐसा किसने कहा? सरकार ने। कौन सरकार? अरे तुम जिसको वोट देके बनाओगी। अच्छा, जिसको हम बनाएंगे हम पे हुक्म चलाएगी। माँ की आँख ऐसी सरकार की। लगता है मैडम जी पबजी खेल रही है। अरे ये तो लड़की है, ये क्या पबजी खेलेगी। ब्रो मैं तेरी जिंदगी से खेल जाऊँ, ये तो फिर भी पबजी है। होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? मैम मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हाँ तो होमवर्क हॉस्टल में कैसे हो सकता है? अच्छा तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? हाँ मैं इसी का रूम पार्टनर हूँ। अच्छा। अरे वो चिपकाने वाला नहीं होता, ग्लू 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 ग्लू। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्योंकि तुम बिल्कुल मूर्ख जड़ बुद्धि आदमी हो, इसलिए नहीं समझ में।